अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गायब फ्रॉम जोहर। और अभी फिलहाल सीन ऐसा है कि आज है पांचवा रोज़ा और अभी फिलहाल हम लोगों ने सहरी वगैरह की थी, तो नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद अभी हम लोग देख रहे हैं मेरा पुराना ब्लॉग। ये पहला ब्लॉग है ना, जब हमने सफाई की थी तब वाला ब्लॉग है। और कल वाला ब्लॉग पता नहीं किस लिए रह गया, इसलिए रह गया क्योंकि मैं सो रहा था, नींद पूरी नहीं हुई थी और बस सोता ही रह गया और इस वजह से ब्लॉग बनाई नहीं, तो इसलिए आज ब्लॉग बनाना भी स्टार्ट कर दिया है और फिर ये रात तक अपलोड हो जाएगा। बस आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग, करो। क्या हुआ? फिलहाल मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ और ये डायरेक्ट मिट्टू बाहर आ रही, और इसने अंडा भी दिया हुआ यार। ये देखो कहाँ गया, एक मिनट यार, ब्लर बहुत हो रहा है, एक मिनट। ये देखो, पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देखो दो तीन अंडे दिए हैं यार इसने, तो अंडे दे रही है। कौन से अंडे दे रही है? भी छोड़ दो सर, पंगेबाजी कहते हैं फिर खुदा ना खास्ता इसने भी काट लिया अगर फजूल में, हाथ तो उंगली पे छप जाएगा रोजों में। और बाकी अपनी इलेक्ट्रिक वाली बाइक ये चार्ज हो रही है और मेरा है इतना के अब देखता हूँ जोहर की नमाज के बाद इसको धुलवाऊंगा भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है इस बार बाइक, देख रहे हो ना, सारा गंदा गंदा हो गया, पूरा पूरा का पूरा गंदा हो गया। ये देखो, और ये और दूसरा ये कि यार मुझे वो 50 जो होती थी बाइक, पुरानी जो बाइक होती है 70 से पिछला मॉडल 50, जिसके आगे वो डब्बा लगा होता है, तो उसकी जो धुम होती है ना वो मड गार्ड की तरह ही होता है। मड गार्ड तो दूसरा होता है, एक दूसरा उसके नीचे एक धूम भी लगती है, तो अगर वो किसी को पता है इधर जोहर में कहीं मिल रही है करीब में ही, जैसे राबिया सिटी वाली साइड पे, तो मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि मेरी जो बाइक है ना ये यार इस जगह पे लगवानी है एक धूम, क्योंकि देखो ये आप लोगों को दिख रहा है ना सारा, ये बाइक की वजह से इधर चलती नहीं, सारा गंदा हो जाता है। इधर धूम नहीं लगी हुई, हॉल वॉल होंगे तो उसके अंदर धूम लग जाएगी। और बाकी ये भी है लेकिन इसका कुछ कर लेंगे, इधर ही कहीं होगा, तो अगर इधर किसी को पता है करीब में कहीं धूम वगैरह मिलती है या कोई लगाने वाला है पुराना जो भी उस्ताद हो, तो मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं विजिट कर लूँगा। अभी भी पता चला कि इसके भाई पहले कितने तीन अंडे, जिनमें से इसने खा लिया तो अभी बचा है दो बच्चे। अभी मुझे हरी नींद सोने, फिर जोर मोटे नहीं, फिर देखेंगे क्या सीन होगा। क्या हुआ? अभी जब मैं चला जाता हूँ तो सीटियाँ मारती पीछे से, हाँ कहते देखा सीटियाँ मार रही, सीटियाँ देखते रुको, ये पीछे से सीटियाँ मार रही जी। क्या खा रही हो, क्या खा रही हो? चलो यार बहुत तंग कर लिया इसको, भी जाते सो जाते, फिर से और मोटेंगे उसके बाद देखते आगे का क्या सीन होगा, देखेंगे यार इसको भी वॉश करवाने लेके चले जाएंगे और फिर पता नहीं क्या क्या। तो यार फिलहाल सीन ऐसा है कि दोपहर के 4:30 बज रहे हैं और कड़कती हुई धूप भी है बाहर, तो अभी चलेंगे। फिलहाल असर की नमाज अभी तो नहीं होगी, नमाज वगैरह पढ़ेंगे। और मुझे याद है कि मुझे अपनी इलेक्ट्रिक वाली बाइक का कुछ करवाना भी था, धुलवानी थी इलेक्ट्रिक वाली बाइक, और साथ साथ हमारी 70 जो है उसको आगे की लाइट वगैरह ऑन नहीं होती, तो वो भी चेक करवाना था। अभी चलते हैं ज़रा, उसके बाद देखते हैं यार। मुझे जितना अंदाज़ा है ना बाइक की बैटरी का मसला है, क्योंकि लाइट कभी कभार ऑन होती है, हॉर्न भी कभी कभार ऑन हो जाता है, या वायरिंग का मसला होगा, वो तो वहाँ पर जाके पता चलेगा शॉप पर, तो फिलहाल चलते हैं उसके पास। तो गाइस अभी फ़िलहाल सीन ऐसा है कि मैं मैकेनिक के पास गया था, लेकिन उधर गया तो बाइक की बैटरी वगैरह चेक करी,
इतना कोई फॉल्ट नहीं था, बस बाइक की जो बैटरी है वो ख़राब हो गई थी। तो मैं उसको बोला अभी फ़िलहाल छोड़ दे भाई, मैं तेरे पास बाद में आ जाऊँगा। तो ऐसे ऐसे होके आ गया। अभी फ़िलहाल एक और सीन ये है कि 6 बज रहे हैं और 6:40 पे होगी अफ्तारी, वेट कर रहे हैं, अफ्तारी करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या सीन होगा। और अभी तक भाई पता ही नहीं चला कि 5 रोज़े भी हो गए, मतलब इतनी जल्दी जल्दी दिन गुजर रहे हैं और सर्दी भी है थोड़ी, तो रोजे का इतना पता नहीं चलता जैसे पिछले साल पता चल रहा था, बिल्कुल ही तो पसीने तो पता नहीं क्या क्या क्या। आप लोगों को मौसम दिखाता हूँ, अभी बड़ा प्यारा हो रहा है और देखो सामने सूरज, सामने पूरी उस साइड पर सूरज है, धूप धूप हो रही है। और ये देखो بك خير الخلق كله.